तीसरे दिन भी बदला मौसम का मिजाज, तेज अधर से जनजीवन अस्त व्यस्त, कई स्थानों पर गिरे ओले, तापमान में गिरावट। प्रदेश भर आज शनिवार को भी अलसुबह से ही मौसम का मिजाज बदल गया। बदले मौसम का असर प्रदेश के विभिन्न शहरों में नजर आया। जयपुर, सीकर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, बीकानेर, टोंक, सवाई माधोपुर सहित कई जिलों में आंधी ने तबाही मचाई। टोंक में आकाशीय बिजली गिरने से 5 बच्चों सहित 17 लोगों की मौत हो गई। वहीं अनेक शहरों में जमकर ओले गिरे। लगातार बारिश, ओले गिरने से तापमान में भारी गिरावट दर्ज हो रही है। प्रदेश का सबसे गर्म रहने वाला मई का महीना इन दिनों कुल्लू मनाली की तरह बना हुआ है। प्रदेश में लगातार मौसम का मिजाज बदलता जा रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार तेज अंधड़, आंधी और बारिश लगातार बनी हुई है, जिसके चलते जहाँ लोगों को बरसात से, गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन आगामी फसलों को लेकर के किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर बनी हुई है। क्योंकि अगर बारिश इसी प्रकार चलती रही और तेज गर्मी नहीं पड़ी तो अगली फसल होने में काफ़ी नुकसान हो सकता है या काफ़ी देरी भी हो सकती है। हालांकि इस मौसम, बदलते मौसम ने जहां लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, 13 से ज़्यादा मौतें भी प्रदेश में अब तक हो चुकी है। क्योंकि कल टोंक में आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं प्रदेश में अलग अलग जगह कई पेड़ धराशायी हो गए हैं। विद्युत व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। कुल मिलाकर के लगातार बदलते मौसम के मिजाज ने आम जनजीवन को झकझोर के रख दिया है। आज अल सुबह से जयपुर सहित प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और लगातार तेज आंधी और बारिश हो रही है। देखना होगा कि इस मौसम, बदलते मौसम से लोगों को कब राहत मिलती है। कैमरा पर्सन नागेश के साथ BL स्रोत, News 21, जयपुर।